दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट आज कितनी शानदार तरीके से ऊपर भागा है, 2% मार्केट चढ़ा हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, यूएस का इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अनुमान था कि काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन काफ़ी तो नहीं, थोड़ा अच्छा आया है। हमारे यहाँ का भी दोस्तों इन्फ्लेक्शन हमारे कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही दोस्तों, जो कंपनियाँ Q2 के नंबर शो कर रही है वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी कुछ कंपनी मैंने आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जिसने आज भारी भरकम तेजी हमें दिखाई है, क्योंकि उसका Q2 का नंबर आया है और उस Q2 के नंबर में उसने धमाका कर दिया है। तो जानते हैं कि वो कौन सी कंपनी और किस इंडस्ट्री में काम करती है। उससे पहले मार्केट देख लेते हैं। तो मार्केट अभी ट्रेडिंग कर रहा है दोस्तों 17,340.95 रुपये पर। प्रीवियस क्लोज था 17,014.35 रुपये। मार्केट ओपन होता है दोस्तों 17,322, बहुत ही खतरनाक वाला गैप अप ओपनिंग लेता है, फिर वहाँ से थोड़ा सा लो लगाता है 17,251 का, देन उसके बाद फिर रिकवरी होती है और मार्केट एकदम हाई पे पहुंच जाता है। तो बहुत अच्छी दोस्तों मार्केट में आज तेजी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि मार्केट 17,500 का जो एक इंटरेस्टिंग लेवल है वो ब्रेक कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो है 1658 रुपये। ठीक है, 4.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 1558.35 रुपये। स्टॉक ओपन होता है 1648.80 रुपये, हाई लगाता है 1674 रुपये और लो लगाता है 1620 रुपये। काफ़ी शानदार मोमेंट हमें इस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। उसके साथ इसका जो 52 बिक का हाई है वो है दोस्तों 2022 रुपये का और 52 बिक का लो है 990 रुपये का। तो ये तो हो गई दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग बात, और आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी हाल फिलहाल में मार्केट में आई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप चलते हैं दोस्तों कंपनी की ऑफिशियली PDF के ऊपर। सबसे पहले जो डिविडेंड का अपडेट आ रहा है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों कंपनी ने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड का जब मैन होगा दोस्तों, जब क्या कर देगा कंपनी डिविडेंड छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर का लफड़ा नहीं रहता, क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड है, ये कंपनी खुद अपने उधर से प्रोवाइड करता है। तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है शेयर का और उस पर दोस्तों 9 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। तो शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ी बात है कि 9 रुपये का डिविडेंड पाना। ठीक है, और आप देख ही रहे होंगे कि शेयर का प्राइस हमें कितना देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड वाले नंबर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड वाले नंबर के ऊपर। ठीक है, पोर्शन बता देता हूँ, ये है 21 सितंबर, ठीक है, और ये 22 सितंबर का वैल्यूएशन मिलियंस में, लेकिन लास्ट में मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने वाला हूँ। आप जूम कर लेता हूँ अच्छी तरीके से मैं, और आपको आशा करता हूँ कि PDF बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले टोटल इनकम के ऊपर। तो कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है 7,559 का, जून क्यू में था 6,844 का, और सितंबर 21 में था दोस्तों 5,361 का। तो आप देख सकते हैं कि Q-on-Q बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो नंबर है कितना शानदार हमें देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं एक्सपेंस, खर्चे के ऊपर। कंपनी का टोटल खर्चा कितना देखने को मिल रहा है ये देख सकते हैं, पूरी लंबी लिस्ट। इसमें कंपनी का मेंटेनेंस चार्ज है, एम्प्लॉय की सैलरी है, उसके बाद और बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर खर्चा, वो टोटल हुआ है दोस्तों 4,602 आप बोल सकते हैं। जून क्यू में हुआ था दोस्तों 4,418 का, मतलब आप देख सकते हैं कि टोटल जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो Q-on-Q बेसिस पे दोस्तों एकदम फ्लैट है, लेकिन टोटल इनकम काफ़ी बड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने मेंटेन किया है। सितंबर 21 की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर था 3567 का, ठीक है, तो एक्सपेंस बड़ा है लेकिन दोस्तों फ्लैट तरीके से, ये एकदम से नहीं बढ़ा, जैसे टोटल इनकम बढ़ा ना ऐसा नहीं बढ़ा है, हल्का सा बढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों प्रॉफिट, अभी कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बचा है। कंपनी के हाथ में बचा है दोस्तों 2856 का प्रॉफिट, जून क्यू में था Q1 में 2426 का, और सितंबर 21 की मैं बात करता हूँ वहाँ पर था दोस्तों 1793 का। तो और देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार तरीके से जंप लिया है। अब दोस्तों पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है, टैक्स पे हो जाता है, देन उसके बाद कंपनी के हाथ में बचता है दोस्तों नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कितना है 2135, कितना है 2135, मतलब दोस्तों 213 करोड़ का, कितना 213 करोड़ का। जून क्यू के मैं बात करता हूँ वहाँ पर था 1815 का, मतलब दोस्तों
181 करोड़ का, ठीक है। सितंबर 21 की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर था दोस्तों 1341 का, मतलब 134 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि जो 134 करोड़ का प्रॉफिट है वो सालाना तौर पे कितनी शानदार तरीके से जंप लिया है, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों अपने खर्चे को मेंटेन किया है, जिसके लिए यहाँ पर लगभग 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 आप बोल सकते हैं कि 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को सालाना तौर पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके साथ ही Q1Q बेसिस पे भी कंपनी को बहुत ज़ोरदार तरीके से दोस्तों प्रॉफिट हुआ है, मतलब दोस्तों कंपनी ने सभी चीज़ को दोस्तों क्या किया है, बीट किया है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को, मार्जिन के एक्सपेक्टेशन को, नेट प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन को, जिसके कारण आज स्टॉक में इतनी भारी भरकम में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब EPS भी आप देख सकते हैं कि जो EPS है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, इस क्यू में 25.64 रुपये का है, जून क्यू में था 21.87 रुपये का, और सितंबर की अगर मैं बात करता हूँ 21 की, वहाँ पर था दोस्तों 16.27 रुपये का। तो EPS भी इतनी शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है, तो अब आप देखेंगे कि कंपनी का क्या है नाम, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है एंजल वन। ये पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जाने जाती थी, ठीक है, अब ये एंजल वन के नाम से जानी जाती है। देखिए इस इंडस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी है, ठीक है, ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा है, आप बोल सकते हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जैसे कि एंजल वन एक ही हो गया, जीरोदा, ऐप स्टॉक, उसके साथ ही दोस्तों शेर खान, आनंद राठी और बहुत सारे हो गए, बहुत सारे, और उसके साथ बैंकिंग का भी HDFC सिक्योरिटी, ICICI डायरेक्ट, ठीक है, कोटक का भी है, एक्सिस का भी है, उसके साथ SBI का भी है, सबका दोस्तों क्या है, सब इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन ये अकेला कंपनी है दोस्तों जो मार्केट में लिस्ट है, ठीक है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन दोस्तों यही कंपनी एक ऐसा है जो मार्केट में लिस्ट है, और इस सभी चीज़ का दोस्तों क्या कर रहा है, फ़ायदा ये अकेला उठा रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है दोस्तों इस कंपनी के ऊपर फोकस करना। तो यहाँ पर देखें, एंजल वन का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी दोस्तों काफ़ी अलग अलग दोस्तों अब जो अपने ब्रोकरिंग फर्म में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकरिंग, ठीक है, और उसके बाद ब्रोकिंग के साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 13,815 करोड़ का। अब EPS हमने देखा है कितना ज़ोरदार बढ़ा है, तो EPS बढ़ेगा तो PE अर्निंग रेशियो कम होगा, यह भी 18 का दिख रहा है, जब अपडेट होगा जब यहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखेंगे 35.5%, ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है, डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का बहुत ज़ोरदार है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कंपनी का 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, सभी को बहुत ज़ोरदार तरीके से क्या किया, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। कंपनी का लास्ट 5 साल का CAGR का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 82% से ज़्यादा की तेजी है। इक्विटी का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 3 साल का, बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्मेंस। उसके साथ देखिए प्री कंपैरिजन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको दोस्तों कहाँ डाल दिया गया है, अभी इसको नॉन NBFC में डाल दिया गया है, क्योंकि ये वहाँ पर भी थोड़ा सा बिजनेस करती है, क्योंकि इस कैटेगरी की तो कोई कंपनी लिस्ट नहीं है, तो इसके अकेले तो दर्शा नहीं सकते, ठीक है, तो इनके साथ ही दोस्तों क्या कर दिया है, इसको दर्शा दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही क्वार्टरली अपडेट आप देख सकते हैं कि सितंबर टू सितंबर, देखिए ये सितंबर को देखिए, ये सितंबर को और ये सितंबर को, ठीक है, उसके साथ ये जून को देखिए, ये जून को देखिए और ये जून, सेल्स देखिए कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कैसा इंक्रीज़ हो रहा है, Q1Q बेसिस पे कितना शानदार इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का अभी तक का सबसे ज़्यादा 214 करोड़ का, जो मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको दिखाया, ठीक है, बहुत ही ज़ोरदार। सालाना तौर का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि मार्च 2015 में पूरे साल भर में कंपनी ने 450 करोड़ की सेल्स की थी, आज वही सेल्स 2300 करोड़ पे पहुंच चुकी है, ठीक है, और 2023 के तो 2655 के ऊपर कूद चुकी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का था पूरे साल भर का, अब पूरे साल भर का दोस्तों 625 करोड़ पे आके खड़ा हो चुका है, और मतलब वन और टू, मतलब ये दो क्यू अभी हो चुके हैं कंप्लीट, तो दोनों क्यू में जो सेल्स रहे हैं और उसका जो प्रॉफिट रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, आप देख सकते हैं कितना शानदार है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ जो है वो 56% की तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 77% की तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ ही
शेयर होल्डिंग का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर्स अच्छा खासा स्टेक लेके बैठा है, FII ने भी अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज़ किया है और DII ने थोड़ा सा अपने स्टेक डिक्रीज़ किया है। लेकिन दोस्तों तगड़ा स्टेक लेके सभी जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ज़रूर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए एक धमाकेदार अपडेट। तो फटाफट से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, डेली बेसिस पर से बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।